करने वाले तमाम भाइयों के लिए अहम मैं बता रहा हूं कि एक रिप्लाई आ गया है, जवाब आ गया है कि क्या क्या इसमें हो सकता है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, फिर इसके बाद जो भी सवाल हो आप इस सिलसिले में पूछ सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था। जिन्होंने अगर अभी अप्लाई करना है तो ये उन दोस्तों के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिन दोस्तों अगर जो अभी अप्लाई कर रहे हैं उसमें मैंने तरीकेकार पे वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं उसमें जिस तरह। अच्छा, जिन दोस्तों ने पहले अप्लाई किया था ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए इसमें आपके लिए मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ तो मैं बताऊँगा, जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है, जो किसी ऑफिस में दे आए हैं या कुछ दिया है वो बिल्कुल गलत है। अक्सर दोस्त पूछते रहे हैं कि हम ऑफिस में दे आए हैं, कहाँ दे आए, जिस तरह मुझसे अक्सर कमेंट्स आते रहे, बहुत सारी चीज़ें आते रहे। तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है उन दोस्तों के लिए कि अब क्योंकि देखें मुलाजमत हासिल करना भी एक बहुत अहम है। अच्छा, अक्सर दोस्त क्या करते थे, जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि उन्होंने कहा था कि फूड पापा JDC जॉब्स या JDC जॉब्स, मैंने क्लियर किया था पहले भी कि ये JDC जॉब्स नहीं है, JDC जॉब्स अलहदा हैं। या कुछ दोस्त कह रहे थे कि JDC जॉब्स इन कराची और बाकी चीज़ों का पूछ रहे थे, भाई वो एक अलहदा चीज़ है, फूड पापा अलहदा चीज़ है। तो जिन्होंने फूड पापा में अप्लाई किया था वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम इम्तियाज़ है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन मौजूद है, इसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि 50,000 मुलाजमतों का जब ऐलान हुआ था तो धड़ाधड़ पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया था फूड पापा के अंदर। अच्छा, उसके क्या हुआ, जाहिर है जब बेरोज़गार आदमी होता है तो परेशानी होती है और इसके लिए मुलाजमत का जो हसूल है वो बहुत अहम हो जाता है। तो इस हवाले से हमारा अगर कॉमेंट सेक्शन मेरी वीडियोज़ में देखें तो भरा पड़ा है कि हमने अप्लाई किया, जवाब नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मुकम्मल जी जवाब यकीनन देखें, हज़ारों लाखों अगर एप्लीकेशन थी तो जवाब आते हुए टाइम भी लग गया था, तो यकीनन जवाब अब आ गया है। जवाब सर जी ये है जो ताज़ा तरीन है, जिस तरह इंफॉर्मेटिव है, जिस तरह बताया गया है फूड पापा के ज़राए से और बाकी सारी चीज़ों से, कि वो जो आपकी इतनी ज़्यादा जो आ गई है ना एप्लीकेशंस या इतनी ज़्यादा CV, जिस तरह उन्होंने अपने उस दिन LED पे दिखाया, इतने ज़्यादा दरख्वास्तें आई थी, उन्होंने कहा कि 1 by 1 उन दरख्वास्तों को देखा जा रहा है और इंशाल्लाह ताला उन्होंने कहा कि हमारा सेटअप जिस तरह आगे बढ़ रहा है इसी हवाले से हम बढ़ते हुए उन्हें जवाब भी दे रहे हैं। तो जो जवाब ये है सर जी कि आपको जो भी कामयाब उम्मीदवार होंगे उन्हें आपके ईमेल एड्रेस पे, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे, आपके रेजिडेंट एड्रेस पे या जो भी आपका अवेलेबल होगा, जिस तरह देखें ना CV के अंदर आप 1 फोन नंबर भी लिखा करें, दूसरा भी लिखा करें ताकि आपसे रब्ता किया जा सके। तो इसके अलावा से अच्छा आपको रब्ता किया जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन थी जवाब कब आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा। दूसरा जॉब इन कराची के हवाले से बता लूँ, क्योंकि कराची में ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया या फूड पापा जॉब कराची, मतलब इन लोगों ने क्योंकि इनकी अप्लाई ज़्यादा थी, लोगों ने ज़्यादा किया क्योंकि वहाँ पर जॉब का इशू। और जिस तरह जफ़र अब्बास साहब JDC ने ये भी बताया था कि ये मुलाजमतें खालसतन मेरिट पे दिए जाएंगी और इसमें किसी भी फ़ोन कराने कुछ ज़रूरत नहीं होगी, आप ऑनलाइन अगर उनके हमारे उन्होंने कहा था जो जितने भी जवाब हैं तरीक़ेकार हैं उस पर पूरा उतरेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। दूसरा, कुकिंग चैनल्स वालों के हवाले से मैं आपको बता सकूँ कि नए कुकिंग चैनल्स जो पाकिस्तानी कुकिंग चैनल हैं या कुकिंग चैनल्स की जॉब हो गई या फूड शेफ जॉब हो गई या होम शेफ जॉब्स हो गई या इसी तरह का कुछ चीज़ें हो गई, उनके लिए भी है कि देखें आपको भी सेगमेंट वाइज रिप्लाई किया जाए, क्योंकि देखें अभी देखें जब उनका आपको स्टार्ट होगा तब भी आपसे वो खाना लेंगे ना, तो आपसे पहले तो नहीं ले सकते। पहले जॉब राइडर्स को वो जिस तरह जॉब राइडर्स के लिए है जिन्हें कैप्टन साहब भी कहा जाता है, फूड पापा बाइक राइडर जिन्हें आप कह सकते हैं या फूड डिलीवरी बाइक राइडर भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो इस बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया और इस वीडियो के तवज्जो से अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी राय हो, कोई भी चीज़ें पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेशेंस रखें, जिस तरह उन्होंने बताया कि फर्दन आपके ईमेल एड्रेसेस पे या आपके नंबर पर जिस तरह अप्लाई होगी तो वो आपकी होती रहेंगी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो ये लाइक का बटन है इस पर प्रेस कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो ज़रूर हमें बताएं ताकि हम आने वाली वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर कर सकें। बहुत मेहरबानी।